21वीं सदी का सबसे लंबा खगराह चंद्र ग्रहण जुलाई में होने वाला है। ये एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो कि 27 जुलाई 2018 यानी आज के दिन चंद्र ग्रहण 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण इस साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण 27 जुलाई की रात 11:54 से शुरू होकर 28 जुलाई की सुबह 3:05 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण पर सूतक का समय दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी इस प्रकार आ जाती है कि पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का पूरा आंशिक भाग ढक जाता है। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य की किरणों के चंद्रमा तक पहुंचने में रोक लगा देती है। इसके बाद पृथ्वी के उस हिस्से में चंद्र ग्रहण नजर आता है। ये ग्रहण भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में दिखेगा। इससे पहले 31 जनवरी 2018 को पहला चंद्र ग्रहण लगा था। जुलाई के चंद्र ग्रहण के लिए कहा जा रहा है कि ये ब्लड मून होगा। वैसे तो इस ग्रहण का प्रभाव हर राशियों पर पड़ेगा, लेकिन आज हम आपको यहाँ उन राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका चंद्र ग्रहण के प्रभाव से भाग्य खुल जाएगा और इनके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। तो चलिए बताते हैं कि कौन सी है वो 5 राशियां। पहला, वृषभ राशि। इस राशि के लोगों के लिए ये ग्रहण बहुत सारी सुख सुविधा लेकर आने वाला है। इस चंद्र ग्रहण से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस ग्रहण के बाद से ही आपके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और आपको धन का लाभ होगा। ग्रहण काल में कृष्ण जी की उपासना करें। ग्रहण के बाद लाल फल का दान करें। दूसरा, मिथुन राशि। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आजीविका से जुड़े सभी क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संपत्ति संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ग्रहण काल में बजरंग बाण का पाठ करें। ग्रहण के बाद सफेद वस्तुओं का दान करें। तीसरा, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण किसी अच्छे विकल्प से कम नहीं है। इस राशि के लोगों को खूब धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए धन की बरसात होगी। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। ग्रहण के दौरान शिव जी की उपासना करें। ग्रहण काल में शिव जी की उपासना करें। ग्रहण के बाद निर्धनों को भोजन कराएं और ग्रहण के बाद हरी वस्तुओं का दान करें। चौथा, तुला राशि। तुला राशि वालों, अब चिंता छोड़िए, आपके लिए सहज समय का आगमन हो चुका है। ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन को सुख सुविधाओं से भर देगा। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि अचानक इस ग्रहण के बाद से आपके जीवन का ग्रहण कैसे हट गया। ग्रहण काल में दुर्गा कवच का पाठ करें। ग्रहण के बाद काली वस्तुओं के दान से आपको लाभ होगा। पांचवा, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी समय बहुत ही अनुकूल होने वाला है। इस राशि के लोग लंबे समय से परेशानी में हैं, अब वो दूर हो जाएगी। आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ तो आपको मालूम ही होगा, आपका भाग्य बदलने वाला है। बस भगवान की पूजा अर्चना जारी रखिए। ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन का सारा अंधेरा लेकर चला जाएगा, आपको किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।